तो ये 1990 की घटना है, ये 30 अक्टूबर की प्रातः 2000 काटते वक्त पुलिस वालों ने हमको रोका, लाठीचार्ज किया। मैंने केवल ये देखा कि वो बस स्टार्ट हुई और स्टार्ट होने के बाद उसने बैरिकेड्स तोड़ना शुरू किया। कुछ सेकंड बाद मालूम पड़ा कि वहाँ से गोली चलने लगी। मेरे सर पे भी एक रबर बुलेट लगी। माननीय मोरेश्वर गणेश रानाडे, वो भोपाल से हमें लगातार पत्र द्वारा सूचित करते थे कि यहाँ इस कार्यक्रम की या ऐसी बैठक होने वाली है। ये बैठकें जो हैं उनकी सूचनाएं आती थीं। तो आज रामशिला पूजन का कार्यक्रम है, तो ज्योति रथ यात्रा निकलने वाली है, ऐसे ये सूचनाएं आती थीं। उसी सूचना के दौरान हमारे पास एक पत्र आया था, उसमें कहा था अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के कार्य को हमें प्रारंभ करना है। शिलान्यास का कार्यक्रम हो चुका था उस समय, तो हमसे ये कह दिया गया था कि आपको समय से बहुत पहले जाना पड़ेगा, तभी आप अयोध्या जा सकते हो। 20 लोगों का यहाँ से बलिदानी जत्था बासोदा से रवाना हुआ था और लगभग 200-250 कार सेवक प्रत्यक्ष रूप से अयोध्या प्रस्थान करने वाले थे, लेकिन हमें काफ़ी समय पहले, लगभग 15 दिन पहले ही हम यहाँ से रवाना हो गए थे। तो योग या संयोग या कुछ ये कहें संगठन की नीति ऐसी थी कि हमें कुछ इशारों में ये बता दिया गया था कि आप कुछ शब्द बोलेंगे, यदि उसका कोई समुचित जवाब देता है तो समझ लो वो आपका अप्रत्यक्ष रूप में सहयोगी है, और उसमें कुछ शासकीय लोग भी हो सकते हैं, पुलिस कर्मचारी भी हो सकते हैं। तो एक पुलिस कर्मचारी से जो हमारी चर्चा हुई तो उससे हमको महसूस हुआ कि ये अपने विचारधारा से प्रभावित है। उसने कहा हम चूँकि शासकीय कर्मचारी हैं इसलिए हम तो आपको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन हम आपको इतना मौका दे देंगे कि ट्रेन जैसे ही चलेगी आपकी, आप हमसे हाथ छुड़ाकर यहाँ से भाग जाना, हम आपको पकड़ेंगे नहीं, नाटक जरूर करेंगे। और ऐसा करते हुए हम 20 के 20 लोग, बाकी लोग तो पकड़े गए थे, हम बलिदानी जत्थे में थे, तो हम 20 के 20 लोग मानकपुर से ट्रेन रवाना होते ही दोबारा पुनः भाग कर और ट्रेन में बैठ गए थे। इस प्रकार हम प्रयागराज पहुँचे, उस समय उसको इलाहाबाद बोला जाता था। इलाहाबाद जाकर फिर गिरफ्तारियाँ हुई हम लोगों की, तो उसमें से लगभग 7-8 लोग गिरफ्तार हो गए, हम लोग किसी तरह बचकर भाग लिए थे। एक ट्रेन जो केवल प्रतापगढ़ तक जा रही थी, तो उस प्रतापगढ़ वाली ट्रेन में हम लोग बैठ गए थे। प्रतापगढ़ पहुंचने के बाद वो ट्रेन रोक दी गई, कह दी इसके आगे कोई ट्रेन नहीं जाएगी, इस कर्फ्यू लगा हुआ है। रात्रि के लगभग 12:30 बज रहे थे उस समय। एक व्यक्ति आया, उसने हमसे पूछताछ की कि आप लोग कहाँ जाना चाहते हो। हमने कहा हम कार से रखें, अयोध्या जाएंगे, क्योंकि उसकी बातों से हमको ऐसा महसूस हुआ। तो उसने कहा आप हमारे पीछे आइए। वो हमको एक विद्यालय में ले गया, रात्रि में विद्यालय में विश्राम किया, वहाँ उसने भोजन की व्यवस्था की। उसका सुबह 4:00 आप उठ जाना, 4 और 4:30 आप प्रतापगढ़ में यहाँ से आप रवाना होंगे, आगे एक पुल मिलेगा, उस पुल तक आपको हम छोड़ देंगे, पुल से आपको फिर आगे की यात्रा करनी है। प्रातः उठकर उस पुल के पास तक पहुँचे, लेकिन वहाँ पर पहले से ही पुलिस और सेना के जवान खड़े हुए थे, उन्होंने हम लोगों को घेर लिया और घेर कर सबको गिरफ्तार कर लिया और उठाकर बस के अंदर हमको पैक कर दिया। तो हम 8-10 लोगों के साथ और लोग भी मिलकर हम लगभग 30-40 लोगों का जत्था तैयार हो चुका था उस समय। पूरी बस भराकर हमको प्रतापगढ़ की जेल ले जाया गया। उसी समय हमारे मन में एक योजना बनी, का आप सभी लोग यहाँ जोर जोर से नारे लगाएं और चिल्ला चोट मचाएंगे, हम उस दौरान इस बस में से भागेंगे। ये लक्ष्य तय करने के बाद हम आगे बढ़े, बस थाने तक पहुँची और थाने के पास में ही कोई विद्यालय था, वहाँ सबको रोकने की व्यवस्थाएँ की गई थी। वहाँ पहुँचने के बाद ये सब लोग नारे लगाते रहे, तो मैं और मेरे साथ एक और व्यक्ति था, हम दो स्तंभ में बचे थे, बाकी लोग गिरफ्तार हो गए थे या आगे निकल चुके थे। तो हम दोनों बस में सीट के नीचे छुप गए और बाकी लोग बस के नीचे उतर गए और बस के नीचे हंगामा करने लगे। दो पुलिस वाले अंदर घुसे, उन्होंने बस में निगाह मारी, जब कोई नहीं दिखा तो उन्होंने बस वाले से कह दिया कि बस को ले जाओ, और बस वापस उसी पुल तक पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद फिर हमने वहां से पुल को पैदल पार किया, क्योंकि वहां से बस वगैरह जाने की सुविधा थी ही नहीं, इस तरफ की बस इसी तरफ रह रही थी, उस तरफ की बस उस तरफ जा रही थी। तो बस वालों ने नाम पता पूछा, कहाँ जा रहे हो, कौन से गांव जाना है। जब उन्हें मालूम पड़ा कि हम कोई गांव को जानते नहीं हैं,
उन्होंने हमें बस से उतार दिया। इसके बाद हम नीचे उतरे, पुल के बाद पास ही हम कुछ गांव वालों से मिले। गांव वालों ने हमको पैदल रास्ता बता दिया, आप यहां से जाएंगे तो आप अयोध्या की तरफ जा सकते हैं। तो वहां से कुछ आगे बढ़े तो एक हमको जीप मिल गई। तो इसके बाद की यात्रा तो हमारी लगातार इसी तरह रही, कहीं 2-4 किलोमीटर जीप से चल दिए, तो कहीं बैलगाड़ी मिल गई हमको, तो कहीं पैदल चले हैं। ऐसे करते हुए हम वहाँ से सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से अकबर, अकबरपुर, और अकबरपुर से हम लगभग चार दिन पाँच दिन में हम अयोध्या पहुँच गए थे। लगभग 26 और 27 अक्टूबर को हम अयोध्या पहुँच गए थे। और स्थिति ये थी कि हर गांव में हमें गांव वाले रोक लेते थे, भोजन की व्यवस्था करते थे, खाने की व्यवस्था करते थे, रुकने की व्यवस्था करते थे। गांव के अंदर हमको बिल्कुल नहीं रोका जाता था, क्योंकि गांव वालों को डर था कि यदि मुलायम सिंह जी ने या मुलायम सिंह सरकार को मालूम पड़ गया तो हम लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता, हमारे साथ अशोभनीय अभद्र व्यवहार हो सकता। इसलिए वो डर के मारे वो हमसे गांव के बाहर ही रोकते थे, वहीं खाना पीना देना। गांव वाले रात भर पहरा देते थे और सुबह 4 बजे उठा करके देते, अब 4 बजे से 7-8 बजे तक तो आप पैदल यात्रा कर सकते हो, 8 बजे के बाद आप यात्रा मत करना, नहीं तो कहीं भी आप गिरफ्तार हो सकते हो, पुलिस सक्रिय हो जाती है। अयोध्या चूंकि हम समय के पूर्व पहुंच गए थे और नदी किनारे पहुंचते पहुंचते वहां एक आश्रम था, श्यामा सदन आश्रम। उस श्यामा सदन आश्रम में पहुंचे तो वहां के गुरु महाराज थे, उन्होंने हमें रुकने की व्यवस्था कर दी। उसमें पहले से भी 6-7 कार सेवक रुके हुए थे। शाम होते होते स्थानीय अयोध्या के 3-4 लोग हमसे मिलने आए, पूछताछ की, पता पूछा, चर्चा कर हुई। फिर जब उनको लगा कार सेवक हैं तो उन्होंने हमें रुकने की व्यवस्था की, खाने पीने की व्यवस्थाएं भी की उन्होंने, और अन्य चर्चाएं हुई, बहुत सी चर्चाएं हुई। चर्चा के बाद हमसे बताया कि आसपास के गांव में बहुत सारे कार सेवक रुके हुए हैं, लेकिन उनको लाने में सबको डर लगता है कि उनको लेके कौन आएगा। तो हमने कहा आप हमें बताओ, हम कोशिश करेंगे कि आसपास के गांव से अयोध्या तक हम किन कार सेवकों को कैसे ला सकते हैं। तो उन्होंने हमें अनेक गाँव बताए, और फिर एक छोटा सा पुजारी लड़का था, वो पुजारी लड़का हमारे साथ हो जाता था, ये फलाने गांव में कार सेवक रुके हुए हैं। हम वहां पहुंचते थे, वहां रुके हुए कार सेवकों से चर्चा करते थे और उन्हें पगडंडी या जंगली रास्ते से होते हुए अयोध्या के अंदर प्रवेश कराते थे। इस तरह हम लगभग 3-4 दिन में 2000 कार सेवक हमने अयोध्या के चारों तरफ से एकत्रित करके विभिन्न आश्रमों के अंदर एकत्रित कराए थे। इसके बाद 30 अक्टूबर का दिन आया, हमारे श्यामा सदन आश्रम में ही कम से कम 300 से 500 कार सेवक इकट्ठे हो चुके थे। आश्रम में घुसने बैठने रुकने तक की जगह नहीं थी। 30 अक्टूबर की सुबह ये कह दिया गया था, हमें जानकारी आ गई थी कि माननीय अशोक जी सिंघल अयोध्या आ चुके हैं, वामदेव जी महाराज भी यहीं मौजूद हैं, साध्वी रितम्बरा जी भी पहुँच चुकी हैं, और माननीय अशोक जी मणिराम जी की छावनी में मौजूद हैं, ऐसी कुछ जानकारी हमको लगी थी। हमने 30 अक्टूबर की प्रातः 6 बजे के लगभग अयोध्या के राम मंदिर की तरफ प्रस्थान करने का तय हुआ था कि सुबह हम 7 बजे यहां से प्रस्थान करेंगे, लेकिन 7 बजे के पहले ही लगभग 2 बसें भरकर पुलिस श्यामा सदन आश्रम आ गई थी, उसने आश्रम को घेर लिया था। बसें जरूर 2 थीं जो गिरफ्तारी के लिए हम लोगों को पकड़ने आई थीं। चर्चा हुई, चर्चा में बातचीत हुई, तो हमने कहा कार सेवकों से कहा कि यदि हम 300-400 लोग और 25 पुलिस वाले यदि हम एक साथ दरवाज़ा छोड़कर खोलकर भागेंगे तो 25 पुलिस वाले अधिकतम 25 लोगों को पकड़ पाएंगे, बाकी लोग तो हम मंदिर तक पहुँच जाएंगे। एक लड़के ने तो बिल्कुल अपना दिगंबर रूप रख लिया और दिगंबर कहने लगा मुझे कैसे पुलिस वाले पकड़ेंगे, मैं तो ऐसे करके जाऊंगा। और उसने बिल्कुल दिगंबर रूप में उसने वो दरवाज़ा खोला दिगंबर रूप में और एकदम से दौड़ लगा दी। उसके पीछे हम और हमारे साथ में पूरे कार सेवक एक साथ भागे। पुलिस वालों को चूंकि ये तो आशा ही नहीं थी कि इस तरह का घटनाक्रम हो सकता है, वो सोचा आसानी से हम गिरफ्तार करेंगे, बसों में भरेंगे और ले जाएंगे। और चूंकि एक साथ सब भागे तो वो ना तो किसी एक भी व्यक्ति को पकड़ नहीं पाए और हम लोग भागते हुए सीधे अयोध्या की गलियों में विलीन हो गए। लेकिन जगह जगह पुलिस वाले लगे हुए थे, उन्होंने रोका टोकी करी, लेकिन फिर भी लड़ते झगड़ते हम लोग हनुमानगढ़ी तक पहुंच गए। हनुमानगढ़ी पर पूरे में बैरिकेड्स लगे हुए थे, लगभग 10-12 बसें
वहाँ पर खड़ी हुई थी आड़ी करके, जिससे कोई व्यक्ति बाहर ना निकल पाए। एक वॉचिंग टावर बहुत ऊंचा, लगभग 30 फीट ऊंचा वॉचिंग टावर था। उसमें उस समय जो चलने वाले वीडियो कैमरे थे वो लगे हुए थे, उन सबको रिकॉर्ड किया जा रहा था। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ संघर्ष हुआ, पुलिस वालों ने हमको रोका, लाठी चार्ज किया। विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, विवाद बढ़ा तो उनकी तरफ से पत्थर चले, हमारी तरफ से पत्थर चले। विवाद जब ज़्यादा बढ़ा तो हम लोगों ने वहाँ एक बैरिकेड्स खोला, उसमें जो रस्सियाँ बंधी हुई थी वो रस्सियों से उस वॉचिंग टावर को बांध कर और उसको जोर से खींचा, उस वॉचिंग टावर को गिरा दिया हम लोगों ने नीचे। पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले फेंकना शुरू कर दिया हम लोगों के ऊपर। जैसे ही वो आंसू गैस के गोले फेंकते थे तो उनको उठाते थे और उनमें से गैस निकलने के पहले इनको रिटर्न करके हम वापस पुलिस वालों में फेंक देते थे। फिर जब पुलिस वालों को लगा कि हम लोग काबू में नहीं आ रहे हैं तो फिर उन्होंने गोली चलन का काम शुरू किया। ये हमें कुछ सेकंड बाद मालूम पड़ा कि वहाँ से गोली चलने लगी हैं और उनके निशाने इतने बढ़िया थे कि वो रबर बुलेट, सीधे सीधे रबर बुलेट है ना, या तो हमारे सर पे लगी या हम लोगों बहुत ज़बरदस्त घायल किया था। तो मेरे सर पे भी एक रबर बुलेट लगी और हनुमानगढ़ी पर ही वो रबर बुलेट लगी थी। क्षणक मूर्छा, यानी ये समझ लो आप 10-15 सेकंड की मूर्छा मुझको थोड़ी सी आई, मैं वहाँ बैठ गया, सर पकड़ लिया, सर में से काफ़ी खून वगैरह बहने लगा। तो खून वगैरह बहने के कारण ये पूरा तर हो गया था खून से। मेरे गले में तौलिया डली हुई थी एक भगवा, तो वहीं पास में एक सरकारी नल चल रहा था। सरकारी नल जो है उसमें तौलिया को गीला किया, गीला करके मैंने अपने सर पर बांधा। तब तक एक साधु ने एक कार सेवक को गिरफ्तार करके भरी हुई बस खड़ी हुई थी। अब वो साधु था, ये तो मैंने नहीं देखा था, वो साधु ही था या कोई अन्य व्यक्ति था, मुझे ये जानकारी समझ में नहीं आई थी। मैंने केवल ये देखा कि वो बस स्टार्ट हुई और स्टार्ट होने के बाद उसने बैरिकेड्स तोड़ना शुरू किया और राम जन्मभूमि की ओर वो बस सीधी भागती चली गई। जब उस बस को वहाँ भागते हुए हमने देखा और पूरे बैरिकेड्स टूट गए और पुलिस वालों में हड़कंप मच गया, तो हम लोगों ने भी वहाँ से भागना शुरू कर दिया। उस बस के पीछे पीछे हम भी उस बस के राम जन्मभूमि के पास तक पहुँच गए थे। हम लोग बस में से जो वो लोग उतरे थे वो चूँकि हम तो कुछ मिनट पहले ही पहुँच चुके थे वहाँ पे, तो वो अंदर भी किसी तरह घुस गए थे। घुस के उन्होंने भगवा ध्वज फहरा दिया था, फिर पुलिस वालों ने लाठी चार्ज करके उनको बाहर कर दिया। हम लोग भी वहाँ पहुँच चुके, घायल हो गए थे। और इसी दिन माननीय अशोक जी सिंघल भी घायल हुए थे और जहाँ तक मेरा ख्याल है माननीय अशोक जी सिंघल को भी गोली मारी गई थी, उनको भी रबर बुलेट से ही घायल किया हुआ था, क्योंकि उनके भी उसी स्थान पर गोली लगी थी जिस स्थान पर मुझको लगी थी, यानी उनको निशाने सर पर ही थे। तो वो संघर्ष हमारा वहाँ पूरा हुआ। फिर पुलिस वालों ने और वहाँ के लोग आए, उन्होंने कहा कि प्रशासन आ गया सबकी, अब आपका वो आंदोलन पूरा हो गया है, भगवा ध्वज आप लोगों ने फहरा दिया, आप लोग वापस जाओ। तब तक हमको भी सूचना आ गई, कुछ स्वयंसेवकों ने आके कहा कि आंदोलन पूर्ण हो चुका है अपना, इसलिए वापस अपन अपने आश्रम में पहुंचना है। हम सब लोग आश्रम के लिए लौटने वाले थे। तब तक जो अयोध्या में हमारी जो मित्र मंडली थी 10-12 लोग थे, वो सारे लोग हम वहाँ आ गए उनको ढूंढते हुए। हमको उन्होंने हमको पकड़ा, उन्होंने देखा बहुत घायल थे हम, तो उन्होंने पकड़ कर हमको सीधे ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, रात भर हम वहीं रुके और रात में रुकने के पश्चात 1 तारीख को पेपर वगैरह निकले, उन पेपरों में हमारे मरने की सूचना प्रकाशित हो गई थी। तो वो पेपर मुझको दिया और वहीं खाना पीना सारी व्यवस्थाएं की। घायल थे, शाम होते होते पुलिस वालों ने पूरा अस्पताल हम लोगों का घेर लिया था और घेर कर उन्होंने कहा कि जितने भी घायल कार सेवक यहाँ पे हैं ये सारे कार सेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इन सबको यहाँ से जाना होगा। हम लोगों को गिरफ्तार उसमें से निकाला तो हमको गिरफ्तार नहीं किया था, वो हमको केवल बेवकूफ़ बना रहे थे। उन्होंने हमको बस में बिठाला और बस में बिठाल कर हमको वापस प्रयागराज पहुँचा दिया। तो 1 तारीख की शाम तक हम प्रयागराज आ गए थे, प्रयागराज रुके और 2 तारीख को वहीं पर हमें खबर मिली, 2 नवंबर को। तो वहाँ फिर जो कार सेवक जिन्होंने
भगवा ध्वज फहराया था उन पर फिर ज़बरदस्त गोली चालन और रात्रि में बहुत गोली चालन हुआ, काफ़ी लोगों को मारा। सरयू पुल जो था वो भी लाशों से पट गया था। उस समय के जो हमारे पास पेपर आए थे वो पटे हुए लाशों से वो सब दिख रहे हैं उसमें। फिर हम एक दो दिन वहाँ रुके प्रयागराज, और वहाँ से फिर हमको फिर व्यवस्था मिल गई थी तो हम वहाँ से फिर वापस लौट कर अपने घर के लिए आ गए थे। तो ये 1990 की घटना है ये। और फिर उसके बाद फिर कार सेवा हुई, काम चले। फिर 92 का समय आ गया, सरकारें बदल गई थी, मुलायम सिंह की जगह कल्याण सिंह जी की सरकार आ गई थी और पुनः कार सेवा करने के लिए हमारा आह्वान हुआ था। तो काफ़ी यहाँ से लगभग 200-250 कार सेवक यहाँ से सीधे अयोध्या के लिए प्रस्थान किया था। और 1992 की जो कार सेवा हुई जिसमें बावरी ढांचे का विध्वंस किया गया, उस बावरी ढांचे के विध्वंस के समय भी पूरे समय वहाँ मैं मौजूद रहा और अपने काम के साथ अयोध्या बराबर आता था। मैं डेली अप डाउन करता था और कार सेवा करता था। 1992 में 6 दिसंबर के दिन जब आह्वान हुआ तो हम लोगों ने मिलकर कार सेवा की, उस ढांचे को वहाँ से काफ़ी गिरा दिया। स्थिति ये हो गई थी उस समय जो जज्बा था कार सेवकों का, वो मैंने देखा कि 5 और 6 फिट चौड़ी दीवाल, उस दीवाल को उन्होंने ऐसे ध्वस्त कर दिया था कि जैसे एक साधारण कच्चे मकान को गिराया गया हो। हालांकि उसमें बहुत सी सुविधाएं बहुत अच्छी मिल गई थी हमको, जैसे पास में हमें जानकारी ली थी पास में एक स्टोर रूम था, हमें मालूम पड़ा था उस स्टोर रूम के अंदर गेंती फावड़े सब्बल कुदाली बहुत सारा सामान भरा हुआ पड़ा है। हमने उस स्टोर रूम का ताला तोड़ा, उसमें से गेंती फावड़े तगाड़ी जो कुछ भी था और ये हाथ से धड़काने वाली गाड़ियाँ थी ये गाड़ियाँ भी उसमें मिल गई थी। वो गाड़ियाँ लेकर भी फिर ये सब सामान निकाल कर सारी कार सेवक जुट गए और उन्होंने दो तीन घंटे के अंदर पूरे बावरी ढांचे को ध्वंस कर दिया, नीचे गिरा दिया। इतना उत्साह था कार सेवकों में कि उनसे जब हम कह रहे थे कि अब गिरने वाला है ढांचा आप लोग उतर आओ, लोग उतर नहीं रहे थे और ना उतरने के कारण वो लोग मैं ढांचे तक के गिरे हैं तो उसमें काफ़ी लोग घायल हुए थे, किसी का हाथ पैर टूट गए, किसी का पैर टूटा, किसी का सर फूट गया, इस तरह से काफ़ी लोग घायल हुए। और फिर इसके पहले भी एक काम हमने किया था और वो पहला काम हमने ये किया था कि ढांचा गिराने के पहले जो वर्तमान में रामलला स्थापित हैं उन रामलला को पालने सहित उठाकर हम लोग अपने हाथों से बाहर ले आए थे, उसके बाद ही उस बाबरी ढांचे को गिराया गया था। और उसको बाहर लाने के बाद उसको रखा, ढांचा गिरने के बाद शाम तक हमने वहाँ पर एक अस्थाई टेंट बांस बल्लियों से जोड़कर एक मंदिर बनाया, उस मंदिर में फिर वापस उस रामलला को उस मंदिर में विराजित किया। रात्रि होते होते हम लोगों से कह दिया गया कि पूरे अयोध्या में कर्फ्यू लग चुका है, पूरे देश में कर्फ्यू लग गया है, आप लोग अब वापस जाओ। हम लोगों को फिर वापस पहुँचाया, हम अपने अपने कैंपों में जहाँ रुके हुए थे वहाँ वापस आ गए जहाँ रुके हुए थे। और इसके बाद ये हमारा संघर्ष का समय पूर्ण, उस समय के संघर्ष का समय पूर्ण हो गया था। फिर कानूनी कार्रवाई थी तो कानूनी कार्रवाई के बाद लगातार संघर्ष रहे, कानून ने अपने फैसले दिए और फैसले देने के बाद अब हम आज उस भव्य और दिव्य मंदिर के लिए उपलब्ध हैं और 22 जनवरी 2024 को हम पुनः रामलला के दर्शन करने के लिए हम अवश्य पहुंच रहे हैं। उस समय जो गोली चालन हुआ था वो ये रबर बुलेट थी, यदि इस रबर बुलेट की जगह यदि ओरिजिनल गोली होती है जैसे 303 की गोली होती है, यदि वो गोली मेरे सर पर लगती तो मेरा सर यहाँ से निकल के, वो गोली यहाँ से यहाँ निकल के बाहर हो जाती और मैं आप लोगों के बीच में शायद इस घटनाक्रम को बताने के लिए नहीं रहता। लेकिन ये रबर बुलेट थी, इस रबर बुलेट की विशेषता ये है ये ऊपर से रबर है अंदर बहुत सख्त है, ये जहाँ लगती है उस स्थान को पूरे मांस को फाड़ देती है ये, और मांस फाड़ने के बाद वो रक्त बहना शुरू हो जाता है, थोड़ी बहुत हड्डी में चोट आ जाती है, बस इतना होता है इससे, लेकिन ये अंदर नहीं धंसती, शरीर के किसी अंग के अंदर धंसने की इसमें ऐसी व्यवस्था है कि ये शरीर के अंदर नहीं धंस पाती है ये, तो इसी से घायल हुए थे ये हम। और जिस समय घायल हुए थे, चूँकि अब मुझे भी नहीं मालूम था कि ये तो गोली थी, मुझे लगी और कहाँ चली गई मुझे नहीं पता, लेकिन चूँकि मैं क्षणिक मूर्छा सी आई थी वहीं बैठ कर रह गया था मैं,
बगल में दीवाल थी एक, तो दीवाल से टकरा कर ये गोली वापस मेरे ऊपर लगी थी, मेरे सर से टकराई, फिर दीवाल से टकराई और फिर मेरे ऊपर आके गिरी। तो मुझको लगा था ये क्या चीज़ है, उस समय समझ में नहीं आई थी मुझे, लेकिन मैंने उठा कर रख ली थी ये। लेकिन फिर बाद में मालूम पड़ा कि ये रबर बुलेट थी जो जिससे मुझे, जिसने मुझे घायल किया था। आप इस शिला को हाथ में लेकर देखेंगे, इस ईंट को हाथ में लेकर देखेंगे, आपको मालूम पड़ेगी ये लगभग आजकल जो ईंटें आती हैं उन ईंटों से 2.5 गुना 3 गुना ज़्यादा है ये वजन में। ये लगभग 4 किलो 5 किलो की ईंट होगी इस समय, और इस पर MK लिखा हुआ है, चांद सितारा बना हुआ है इसके ऊपर, इसमें MK लिखा हुआ है, चांद सितारा बना हुआ है। ये ईंट हम ढांचे में से निकाल कर लाए थे, और ऐसी ईंटें काफ़ी लोग निकाल कर ले गए थे, बहुत लोगों के पास इस समय मौजूद हैं। 15 जनवरी को जहाँ तक है मैं जाने की कोशिश करूँगा, 15 जनवरी को मैं अयोध्या रहूँ और इस दिव्य दृश्य को अपने साथ अपनी आँखों में समेटूँ। बस यही एक इच्छा थी और मुझे लगता है मेरी इच्छा बहुत शीघ्र पूर्ण होने वाली है। जय श्री राम। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।